हेलो फ्रेंड्स, पाल माय नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में चतुर्थ पाठ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड रुचिरा पुस्तक का नाम है, चतुर्थ पाठ जिसका नाम है विद्यालयः। इस पाठ के हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इस साल सिलेबस बदल गया है, सो ये नया लेसन है जो आपके पुस्तक में बदल गया है। सो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो ये पहला है, पहला पैराग्राफ। एषः विद्यालयः, यानी कि यह विद्यालय है। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति, यानी कि यहाँ, अत्र यानी कि यहाँ, छात्र, शिक्षक, छात्राः यानी कि अनेक छात्र होते हैं, यानी कि अनेक छात्र, शिक्षकें और शिक्षिकाएं हैं। संति अस्ति यानी कि है, एक वचन के लिए, और संति यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए संति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो यह एक विद्यालय है, यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरे पैराग्राफ को। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यानी कि यह संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर का प्रयोगशाला है, यानी कि यह कंप्यूटर का प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे, इसलिए सन्ति यूज हुआ है, नोट कीजिए। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, ये एक उद्यान है यानी कि बगीचा है। सो यह हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। एतत् यानी कि यह, अस्माकम यानी कि हमारे, विद्यालयस्य यानी कि विद्यालय का, उद्यानम यानी कि उद्यान या बगीचा, अस्ति यानी कि है। तो यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, यानी कि उद्यान में यानी कि बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः च पठामः च, वयम यानि कि हम, अत्र यानि कि यहाँ, हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। यहाँ आप चित्रों को देखकर क्या पता लगा सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वचन है, यानि कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और यहाँ एक शिक्षिका है जो बहुत सारे बच्चों से बात करती हैं, और यहाँ एक शिक्षक है जो दो बच्चों से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन, यहाँ बहुवचन और यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं पाठ की ट्रांसलेशन को। इस लड़की का नाम ऋचा है और इसका नाम प्रणव है। तो ऋचा इस प्रणव से कहती है, ऋचा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः। फिर प्रणव कहता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? फिर ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? फिर प्रणव कहता है, प्रणवः अहम् अत्र एव पठामि, प्रणव कहता है, अहम् यानी कि मैं, अत्र यानी कि यहाँ, और एव यानी कि ही, यानी कि मैं यहीं, पठामि यानी कि पढ़ता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर वर्ब का जो प्रयोग हुआ है, यानी कि क्रिया का, एक वचन में पठामी, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो, सो मैं यही पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामी, अहम यानी कि मैं, अपि यानी कि भी, यानी कि मैं भी, अत्र एव यानी कि यही पठामी यानी कि पढ़ती हूँ, यानी कि मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्र स्वः, इदानीम यानी कि अब, इदानीम यानी कि अब, आवाम यानी कि हम दोनों, मित्र यानी कि मित्र, स्व यानी कि हैं, जब दो वचन के लिए स्व यानी कि हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। अब आगे ये शिक्षिका बहुत सारे बच्चों से बातें करती है। शिक्षिकाः, छात्राः यूयं किं कुरुतः, तो शिक्षिका कहती है, छात्रों तुम सब क्या करते हो या क्या कर रहे हो? फिर छात्राः यानी कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, आचार्य वयम गच्छामः, छात्र कहते हैं
आचार्य यानि कि अध्यापिका महोदया, हम वयम यानि कि हम, गच्छामः यानि कि हम जाते हैं या जा रहे हैं। शिक्षिका फिर पूछती है यूयम कुत्र गच्छतः, यानि कि यूयम यानि कि तुम सब, पुत्र यानि कि कहाँ, गच्छतः यानि कि कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः, फिर बहुत सारे छात्र ये सभी मिलकर कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार जा रहे हैं। फिर शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, यानी कि तुम सबके पुस्तक कहाँ हैं, कुत्र यानी कि कहाँ और सन्ति यानी कि हैं, तो बहुवचन के लिए सन्ति का प्रयोग हुआ है। युष्माकं यानी कि तुम सबके पुस्तकानि यानी कि बहुत सारे पुस्तक, इसलिए पुस्तकानि प्रयोग हुआ है, यानी कि तुम सबके पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, फिर बहुत सारे छात्र, सभी छात्र मिलकर कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारे पुस्तक यहाँ हैं। फिर शिक्षक, ये शिक्षक हैं और ये दोनों बच्चों से बातें करते हैं। शिक्षकः यानी कि ये शिक्षक कहते हैं छात्रौ युवाम किं कुरुथः, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर छात्रौः, फिर दोनों छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायवः, हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम यानी कि बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौः आवाम लिखावः पठावः गायवः चित्राणि अपि रचयावः, आवाम यानी कि हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्राणि यानी कि चित्र भी बनाते हैं। चित्राणि यानी कि बहुत सारे चित्र, अपि यानी कि भी, तो एक बार फिर देख लेते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक, फिर कहते हैं शिक्षक बहु शोभनम यानी कि बहुत अच्छे। तो बच्चों ये था चौथे पार्ट जिसका नाम है विद्यालय, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और परमानेंट मेंबर बन सकते हो। थैंक यू।